अगला टाइटल है थ्री ए। ठीक है भाई, थ्री ए के अंदर हम लोग फर्स्ट टाइटल ले रहे हैं साइन थ्री ए। हाँ भाई, पहले मैं आपको ये बता देता हूं साइन थ्री ए की वैल्यूज होती है, वो आप अभी से याद कर लें। वो होती है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। राइट है भाई, खटाखट इसका प्रूफ बता देता हूं। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि अगर कल को साइन थ्री ए लिखा है तो साइन थ्री ए का मतलब होता है साइन टू ए प्लस ए। कितने लोगों को ये लिखते ही समझ में आता है कि अब सर यूज करने वाले हैं साइन ए प्लस बी। तो साइन ए लगाता हूं तो साइन ए की जगह हो जाएगा साइन टू ए कॉस बी माने कॉस ए प्लस में हो जाएगा कॉस टू ए इंटू में साइन ए। सही है? अच्छा, अब अगर ये साइन टू ए लिखा है तो साइन टू ए की जगह टू साइन ए कॉस स्क्वायर ए। समझ गए आप? अच्छा, कॉस टू ए की जगह पे कितना? टू कॉस स्क्वायर ए। ऐसा एक छोटा सा काम और पूछता हूं, पीछे साइन ए को देख करके अगर मैं आपको उम्मीद करूं, ध्यान से सोचना भाई, ध्यान से सोचना, किसी को कॉस टू ए का साइन में फार्मूला याद है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, तो ये बन गया साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। बात सही है? कितने लोगों को यह भी समझ में आता है कि टू साइन ए और ये कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं? अरे कॉस स्क्वायर ए माने वन माइनस साइन स्क्वायर ए। कितने लोगों को दिखता है टू साइन ए इंटू वन टू साइन ए प्लस साइन ए थ्री साइन ए? लिख दो थ्री साइन ए, लिख दो टू साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए टू साइन क्यूब ए और ये टू साइन क्यूब ए मिलकर के हो गया फोर साइन क्यूब ए। हप्पे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास में जैसे साइन थ्री ए के फार्मूले हैं वैसे ही हमारे पास में कॉस थ्री ए और टेन थ्री ए के फार्मूले भी हैं, है ना भाई? सभी सूरवीर ध्यान दे लें। पहला फार्मूला साइन थ्री ए का दोबारा लिख रहा हूं, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। ठीक है भाई, कॉस थ्री ए का फॉर्मूला सेकंड नंबर पे आ जाएगा, कॉस थ्री ए इक्वल टू होता है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। राइट भाई, तीसरा फार्मूला है टेन थ्री ए का, टेन थ्री ए का फॉर्मूला होता है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। राइट भाई, आज के दिन आपकी वॉल पे तीन नए फार्मूले और एडजस्ट होने वाले हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका, पहले दो को तो बहुत प्यार से याद रखा जा सकता है, कॉस थ्री ए और साइन थ्री ए। साइन हमेशा 34 नंबर की बस में आएगा और कॉस हमेशा 43 नंबर की बस में आएगा और चार के साथ हमेशा क्यूब आएगा। चार के साथ क्यूब आएगा माने तीन के साथ क्यूब, तो 34 नंबर की बस 43 नंबर की बस। साइन हमेशा 34 नंबर की बस, कॉस हमेशा 43 नंबर की बस, है ना, 43 नंबर। आ जाओ नेक्स्ट पे चलता हूं बिना आगे इसमें टाइम खराब करे। रेडी, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 6 20 डिग्री माइनस 33 10 टू द पावर 4 20 डिग्री प्लस 27 10 टू द पावर 20 का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, याद नहीं रहता अक्सर। इसका फॉर्मूले का जो इसको सॉल्व करने का मेथड है ना, याद नहीं रहता, है ना, सिर्फ प्रैक्टिस करके ही इस चीज को याद रखा जा सकता है। ठीक है भाई, क्या चीज है ध्यान से समझना, इसकी स्टार्टिंग याद रखनी पड़ती है। इस कहानी में जो भी दिया है 20 डिग्री दिया है 20 डिग्री दिया है 20 डिग्री दिया है और कुछ नहीं दिया। मैं जानबूझ करके स्टार्ट करता हूं 10 3 20 डिग्री से। कितने लोगों को समझ में आता है मैं यूज करने वाला हूं 10 3 थीटा? यूज कर सकता हूं?
टेन थ्री थीटा श्योर है, तो टेन थ्री थीटा फॉर्मूला देख करके समझ में आ जाएगा, थ्री टेन ट्वेंटी बोलो हाँ या ना, माइनस टेन सिक्सटी ना 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 टेन क्यूब ट्वेंटी, अब आई बात अपॉन में नीचे कितना वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ट्वेंटी डिग्री, क्या कहानी पकड़ में आ रही है? अब जल्दी सोच के जवाब देना, कितने लोगों को पता है कि टेन थ्री इंटू ट्वेंटी माने टेन सिक्सटी और टेन सिक्सटी माने रूट थ्री, तो इधर लिख दो रूट थ्री, ये जो नीचे लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो उधर हो जाएगा थ्री टेन ट्वेंटी माइनस टेन क्यूब ट्वेंटी राइट है भाई, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा रूट थ्री इंटू में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ट्वेंटी, मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये दिखता है कि टेन क्यूब ट्वेंटी तक तो आ गए, जाना था टेन की पावर सिक्स इंटू ट्वेंटी तक, तो इसका स्क्वायर कर दे तो काम बन सकता है, तो क्या कहते हो स्क्वायर एक तरफ या दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो उम्मीद है सबको पता है तीन इंटू में वन प्लस नाइन टेन की पावर फोर ट्वेंटी राइट है, माइनस सिक्स इंटू में टेन स्क्वायर ट्वेंटी इजिकल टू में इसका स्क्वायर लिख देता हूं नाइन टेन स्क्वायर ट्वेंटी राइट है, माइनस की जगह प्लस टेन की पावर सिक्स ट्वेंटी डिग्री राइट है, माइनस सिक्स टेन की पावर फोर ट्वेंटी डिग्री, अब आप सेटल कर लीजिएगा, देखिए शायद आपका काम बन जाए फटाफट। हाँ भाई तीन रिजल्ट इधर आओ, रेडी चर्चा करूं करें बात इस पे, अच्छा रिजल्ट्स क्या क्या है, देखिए तीन और बहुत काम के रिजल्ट हैं, उनमें पहला रिजल्ट है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा राइट है भाई, इज इक्वल टू होता है वन अपॉन फोर साइन थ्री थीटा ठीक है, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है कॉस थीटा, कॉस में 60 माइनस थीटा और यहां कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है वन बाई फोर कॉस थ्री थीटा राइट है भाई। सी और आखिरी रिजल्ट, आखिरी रिजल्ट होता है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 माइनस थीटा इंटू में टेन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है ओनली टेन थ्री थीटा राइट है, ये भी हमारे लिए अब एक तरह से फॉर्मूला ही बन जाएंगे, हालांकि हैं ये क्वेश्चंस आईआईटी का भरपूर नजर रहता है इस पे, बहुत प्यार से इसके साथ खेलता हूं। जरा जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ आपकी नजर डलवाता हूं, दो बजे आ रहे हैं चेंज हो गया, हाँ भाई करें बात को, देखिए सब पहली चीज मुझे ये सिद्ध करनी है या प्रूव करनी है कि साइन थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 प्लस थीटा जो है वो इतना होता है 1 बाई फोर इंटू में साइन 3 थीटा, कितने लोगों को ये चीज देख करके बहुत ध्यान से देखना इतनी दूर तक ही, मात्र इतनी दूर तक देख के जवाब दो, किसी को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद आया, साइन थीटा को तो बाहर ही रहने देता, आप तो बता दो अंदर क्या लिखूं, साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला याद है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला याद नहीं हुआ है, साइन स्क्वायर ए ए बोले तो 60, ए बोले तो 60 माइनस साइन स्क्वायर बी, बी बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, कितने लोगों को याद है साइन 60 उसका स्क्वायर 3/4 तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अरे आ रही है या नहीं आ रही है, तो कितने लोगों को पता है कि 1/4 तो बाहर आ गया, साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यों थीटा 4 एलसीएम लेने के बाद, क्या ख्याल है 34 नंबर की बस, चार के साथ क्यों, किसका फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ, क्या कहते हो आप, तो अगला क्वेश्चन आपका है बी प्रूफ करो फटाफट से, फटाफट करो बी, हाँ भाई बी बहुत समय ले लिया अपने फिल्डर में, तो कब का प्रूफ हो जाता, कॉस थीटा को बाहर रहने दिया, अंदर जो कॉस 60 माइनस थीटा या 60 प्लस थीटा इंटू में कॉस 60 माइनस थीटा उसको सॉल्व कर रहा हूं, सामने फॉर्मूला हम भूल गए,
क्योंकि आप अगर आपको याद होता तो आप चिल्ला के बोलते हो cos स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर या sin स्क्वायर, sin स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है ना भाई, cos 60 बोले तो 1/2 उसका स्क्वायर 1/4, 1/4 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बैठा भाई, अच्छा cos थीटा की जगह cos थीटा, कोई और चेंज जो आप करना चाहते हो, ये कह रहे हैं cos sin को cos में बदल दो, बदल दो, अगर मैं बदलता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मजा आने वाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, अच्छा तब तक cos थीटा को बाहर ही बैठाए रखा, इसमें से इसको घटाया -3/4 हो गया, अच्छा आगे प्लस का cos स्क्वायर थीटा हो गया, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम 4 ही आएगा, लेकिन 4 आने की वजह से यहां 4 हो जाएगा, अब मैं cos थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/4 तो आ जाएगा बाहर, और cos थीटा किससे मल्टीप्लाई होते ही हो जाएगा 4 cos³θ, जिस दिन ये दोनों गुणा हुए -3 cos θ, और आप पहचानिए 43 नंबर की बस cos³θ, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 cos³θ, कहानी याद पकड़ना आगे, है ना 1/4 cos³θ, और जैसे इन दोनों का आपस में भाग लगाओगे, इसको इसको और इसको डिवाइड करोगे, सॉरी का इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका ये वाला प्रूफ हो जाएगा, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं फटाफट, क्वेश्चन है साइन 10 साइन 50 इंटू साइन 17, अगर आपकी नजर इस बात पे पड़ जाती है फटाफट तो आप पहचानिए कि अगर ये 50 जानते हैं तो 50, 60 माइनस 10 60 माइनस 10 कहीं ये 60 प्लस 10 तो नहीं है, तो आपको पता है ये थीटा क्लिक कर गया, ये बन गया साइन थीटा, साइन 60 माइनस 10 ये बन गया साइन 60 प्लस 10 लिख दो क्या, और ये ऑलरेडी साइन 10, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/4 sin³θ, थीटा कौन है 10, थीटा हो गया 10, तो 3 × 10 बेटा भाई 1/4 × 1/2 माने 1/8, ठीक है इसे कहते हैं बिल्कुल लड्डू, देखते ही समझ में आ गया 60 बेटा भाई, अच्छा क्वेश्चन देने वाला कभी कभी आपके साथ में ये गेम भी खेल सकता है, cos 10 cos 40 cos 70, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि cos 10 तो बराबर है, ये cos 70 जो लिखा है ये 60 प्लस 10 लिखा है, और ये cos 40 जो है 60 माइनस 10 नहीं होता, 60 माइनस 10 तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में मिसिंग कौन है, हाँ कौन मिसिंग है, अरे cos 10 मौजूद है, cos 60 प्लस 10 मौजूद है, कौन मिसिंग है 60 माइनस 10, क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है, तो पूरी कहानी में मिसिंग है cos 60 माइनस 10, अगर ये मिसिंग है मैंने अपने घर से लगाया, क्या थोड़ी देर के लिए तू अपना अल्टरनेट अरेंजमेंट रख, cos 60 माइनस 10 अगर मैं घर से लगाऊंगा तो वापस उधारी दिखाऊंगा ना, खाते में तो दिखाऊंगा कि भाई ये मैंने तेरे को दे रखा है, रही बात ये cos 40 का क्या हुआ, ये बेचारा वेटिंग में cos 40, एनीवे तब तक आप में से कितने लोगों को ये समझ में आता कि इधर तो फार्मूला लगेगा कितना 1/4 cos³θ, थीटा बोले तो 10, अरे थीटा 10 हुआ ना, अच्छा तब तक आप में से कितने लोगों को पता है कि cos 40 और ये cos 50 है, हाँ यार क्या आपको पता है cos 50 का मतलब sin 40 होता है, क्या ख्याल है आपका, हाँ यार ये 10 या cot, cot, अच्छा ये cos 30 √3/2, तो ये बन गया √3/8 cot 40 है ना, थीटा 40 है ना, हाँ भाई आपको कहानी में क्या पकड़ में आई पूरी कहानी में, कि मैंने को जैसे ही मेरे को ये पता चला किसी का कोई जरा सा कमी है तो मैंने अपने तरफ से लगा दिया और उसी का डिवाइड कर दिया, फंडा पकड़ में आ गया आपको, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट, अगला क्वेश्चन है 10 6 degree 10 42 degree 10 66 degree 10 78 degree, राइट है भाई,
पिछली बार मैंने आपको एक प्रिंसिपल सिखाया, अब की बार मैंने उस प्रिंसिपल पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया। प्रिंसिपल था जो नहीं हो उसे अपने घर से लगा लो। बिल्कुल यहां तक तो पकड़ में आ गया तेरे को। 10-6 और 10-66 तो दोनों को साथ तो बिठा लूं। 10-6 10-60 प्लस 6 ऐसा लिख दूं क्या भाई? और कितने की कमी है इनटू में कितना? 10 क्या करो 60 माइनस 6 और अपॉन में 10 54। भाई बात बराबर है ना? ये नहीं था, ये मैंने अपने घर से लगा लिया। अच्छा जो बच गए कहीं वो भी तो कुछ ग्रुप में नहीं है कहीं? ये 60 माइनस 18 और ये 60 प्लस 18, तो इसे लिख देते हैं एक बार। ये लिखा हुआ है 1060 प्लस 18 और ये लिखा हुआ है 1060 माइनस 18। ये तो बात बराबर है ना भाई? अच्छा क्या मिसिंग है इसका? 10-18 ओके, तो अपॉन में 10-18 मैंने अपने घर से लगा दिया। ये भी मैंने अपने घर से लगाया और ये भी मैंने अपने घर से लगाया, लेकिन इनका काम बन गया। किनका काम बन गया? कितने लोगों को पता चल गया? कितनी दूर तक इसका काम बना और उधर से इसका काम बना? ये कितना बन गया? 10 3 थीटा। थीटा कौन है? 6। थीटा है 6 तो 10 3 इंटू 6 राइट है भाई? अच्छा अपॉन में 10 54 उसको दिखा दो ठीक है इंटू में। हाँ बिल्कुल अब सही जा रहे हो। रुको 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 धीरे धीरे बताना, इसमें 10 थीटा कौन है? थीटा थीटा 18 तो 10 3 इंटू 18 अपॉन में 10 18 क्या ख्याल है? ये और ये ठीक है। जेई का क्वेश्चन है, आपको कहानी पकड़ में आ रही है? वो भी कोई, अरे वो आसमान से थोड़ी ना उतर गया था। हम इतनी दूर तक अपनी बात फैला चुके हैं कि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन यूं ही आ जाता लपक में ठीक है। बस फंडा पकड़ के चलो, जो नहीं है वो लगाना है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, है ना?